हेलो फ्रेंड्स, धन्यकार जी, कैसे आप सभी लोग। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आज मैं गुड मॉर्निंग की जगह धन्यकार की बोली हो, तो गुड मॉर्निंग के लिए, पर आज का जो मेरा व्लॉग है वो समालखा के ऊपर समर्पित है। तो आज हम जा रहे हैं समालखा, ना थोड़ी सी सेवा की जरूरत है, तो हम सब सेवा करने जा रहे हैं, तो जो कि सोनीपत के आसपास पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वही अपने घर से निकलती यहाँ पे आ गया हाईवे, जो अभी तक कम्प्लीट ही नहीं हुआ, पता नहीं कब कम्प्लीट होगा। तो फिर हम इस पे ही बैठ के अपनी गाड़ी से जाए करेंगे। हाँ, फिर मतलब बता देना कहाँ पर है सेवा है। अच्छा ठीक है, लंबे में डाल देना इसे। ठीक है, गाड़ी बोल रही है ना। हाँ देखिए गाइस, हम सीएनजी की लाइन में लगे हैं क्योंकि सीएनजी भरवाने की जा जरूरी है। दादी कर लिया, दादी ने 500 रुपये दिए। चलो दादी भरवाई, पर पापा को ना उतारियो। चलिए दादा बैठे रहो। से जा रहा है ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, ये जा रहा है। दोस्तों देखिए, हमारे सामने एक छोटी सी गाड़ी जा रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसे टू सीटर गाड़ी थी। ये कैसी गाड़ी है? ये कैसी गाड़ी है? वो तो क्या कह रही है ये? अरे अब पीछे निकल, अरे पीछे कहाँ जाना है, घूम क्या? दोस्तों ये समागम आ गया, देखिए ये गेट है, बहुत बड़ा मैदान है ये। यहाँ पे खड़ी होती है समागम में, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। ये पंडाल है जहाँ पे समागम होता है। ये ले लियो ना आराम से, ये ले फोटो ले आराम से, साइड वाले गाड़ी का। एक मैदान है, देखिए दोस्तों कितना बड़ा पतीला है। सही है, यहाँ पे लंगर के लिए बर्तन रख रखे हैं, अभी लंगर बन के तैयार हो रहा है वहाँ पे। और वहाँ चाय मिल रही है। हम आ गए यहाँ पे कैंटीन, सुबह से भूखे हैं तो यहाँ पे हम कुछ खाएंगे।
चलिए। यहाँ अंदर बैठ के खाएंगे। गाइस देखिए 15 रुपए की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। ना वो चीना चपटी वाली देखिए क्या है। यहाँ पे सेवा दाई हो रही है, हम भी सेवा करने जा रहे हैं। हम भी जाएंगे सेवा करने। बराबर करे तीन किस्म गेहूँ बोए, तीन बराबर कर पूरा फिर गेहूँ बोए दिन समझ लें तीन क्विंटल बहुत तगड़ा गेहूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ नहर सी दिखी, नहर नहीं है ये, इसके अंदर पानी है शायद, यहाँ पे सरोवर वगैरह बने। तो दोस्तों हमने सेवा तो कर ली, अब यहाँ पे हम थोड़ा घूमने आए हैं और यहाँ पे हमें ये दिखा एक, देखिए दोस्तों गंदा पानी है। वैसे ये साफ तो है नहीं, मैं इतनी सोच में बस एक सीढ़ी दे रखी वाली। ये कुछ ऐसे पानी उसमें आएगा। हाँ हाँ हाँ। इसमें उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मैं सोची सरोवर बन रहे हैं। नहीं नहीं सरोवर नहीं हमारा। कॉमन तो दोस्तों हमने लंगर खा लिया और लंगर बहुत अच्छा था और अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक पेड़ है उसकी छाव लंगर कर लिया, लंगर बहुत स्वादिष्ट था। फिर हम थोड़ी देर यहीं बैठे थे, उसके बाद अब जा रहे हैं हम मेरठ वाली कैंटीन, वहाँ पे हम नमस्कारी करेंगे। और किस किसने लंगर खाया जरूर कमेंट में बताना, और लंगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर बताना।